दोस्तों देख सकते हैं आज का गेम होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम, और मौसम काइक क्लब से गेम लड़ने वाली दोस्तों, मौसम काइक क्लब वर्सेस रिक काइक क्लब। क्या मौसम भाई, देखिए हमारे मौसम भाई थोड़ा उतार लीजिए अपना ग्लव्स को, देखिए मास्क लगाए हुए, देखिए कैसे मौसम भाई। बढ़िया भाई, गर्म तो है बट बहुत दिनों बाद ये मौसम आया है, नहीं तो हम लोग बारिश से कितना हम लोग मौसम जो बारिश था शौक नहीं हो पा रहा था बिल्कुल। आज बहुत दिन बाद मौसम भाई आए, आज एक से एक पेज दिखाएंगे। और हमारा दानिश, ये देखिए धोनी, वो तो भाई लास्ट एंडिंग में देखिएगा, इनका पेस सिर्फ देखिएगा, बहुत ही मुश्किल है इनको काटना भाई, जैसा ये खेलते हैं। मैं तो इनका नाम धोनी रख दिया हूँ क्योंकि ये फिनिशर है। और हमारे जमशेद भाई आज देखिए मौजूद है इस टीम में हमारे मौसम का इस क्लब से। कैसे है जमशेद भाई? बस माशाल्लाह ठीक है भाई, आज बहुत दिन से हमारा वीडियो देखते, आज इंशाल्लाह पूरा भी हुआ वो, आज आप खुद ही वीडियो में आ गए, अच्छी बात है। और भाई को भी बुलाए हम, बिल्कुल बिल्कुल। गब्बर भाई कैसे है? गब्बर भाई फाइन थैंक यू, बहुत अच्छे लग रहे हैं और अच्छा से लड़ाई है। नाम सुने ना? जी जी जी, इंटालिया गब्बर भाई भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक है गब्बर भाई जी, और एक है जो पल्स में लड़ाते हैं। गब्बर से नाम है जी जी, हम लोग का यहाँ पे एक बड़ा गब्बर एक छोटा गब्बर, तो यही सीनियर, सीनियर तो यही लग रहा है। बहुत अच्छा लड़ाते हैं भाई। चलिए गब्बर भाई आज दिखाइए एक से एक पेज। 2018 में ऑल इंडिया भी लड़ा है। क्या बात है, क्या बात है गब्बर भाई, गोरा भाई। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मोहम्मद फैसल भाई कैसे हैं आप? छोटे भाई जी जी, छोटे भाई है। चलिए इनको भी सिखा दीजिए थोड़ा, कभी कभी शौक करता है। चलिए ठीक है, ऐसे फुटबॉल खेलते हैं। चलिए बहुत अच्छा फुटबॉल है, ठीक है। चलिए हम लोग पेज की तरफ चलते हैं, आज एक से एक पेज देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों आए, दोस्तों गेम का पहला पेज देख रहे हैं। देखिए ऊपर से गब्बर भाई राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से है रिक काइक क्लब। चेहरे की तरफ बढ़ते हो हमारे गब्बर भाई, देखिएगा मौसम काइक क्लब से राइट हैंड साइड ऊपर से। चलिए उन्होंने चपटा खींचा, इन्होंने पहाड़ खींचा है, बहुत अच्छा यहाँ पेच। यहाँ गलती क्या हो गई दोस्तों, पहले पहल करके जो मारा देखिए झोल बना, और उनकी देखिए पतंग जो है स्लाइड अंदर आई। अब ध्यान दीजिएगा जब उन्होंने बाहर खींचा था, ये क्या करना था इनको, बाहर दिखा के अगर अंदर का गद्दा ये मारते तो 100% यहाँ पर रिक काइक क्लब कट जाते दोस्तों। बट बढ़िया पेच खेला है यहाँ रिक काइक क्लब से हमारे रिक भाई, और हमारे गब्बर भाई कटते हुए देखिए मौसम काइक क्लब से। आए दोस्तों मौसम भाई आ चुके हैं, देखिए ऊपर से लड़ाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों इसलिए हम देखिए मास्क पहने हुए मौसम भाई। देखिएगा ऊपर से मौसम भाई, ध्यान से देखिएगा राइट हैंड साइड ऊपर से जो पतंग है काफ़ी दूर लगी हुई है। राइट हैंड साइड ऊपर से देखिए हमारे मौसम भाई, लेफ्ट हैंड साइड से देखिए भाई गद्दा मारा है उन्होंने, उल्टा पट मारा मौसम भाई ने, पूरा दम लगा के मारा, झोल पे मारा है जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छा गद्दा मार के देखिए पतंगी को पूरा ढुका दिया है दोस्तों, और निकल के नहीं आई पतंग देखिए मौसम भाई की, और पतंग उठ के आ गई, बिल्कुल बिल्कुल उठ के आ गई है, ये रही पतंग। क्या बात है मौसम भाई, क्या गद्दा मारे दोस्त, बहुत अच्छा, यहाँ कुछ करने का मौका नहीं दिया और गड़ों के गद्दा मारा है, बहुत ही अच्छा यहाँ मौसम भाई। एक से एक पेज दिखाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी टाइगर जिंदा है दोस्तों। देखिए यहाँ गब्बर भाई भी यहाँ पर मौजूद है, और दानिश का पेज, दानिश का गद्दा देखिएगा, रॉकेट गद्दा किसको बोलता है, ये रहे दानिश, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, कोई बात नहीं। आए दोस्तों दानिश का पेज हम देखेंगे, देखिएगा नीचे से राइट हैंड साइड से हमारे दानिश, ऊपर से रिक काइक क्लब। बहुत अच्छा पेच यहाँ पर ही काट दिया है दानिश को दोस्तों रिक काइक क्लब से, बाहर खींचने की गलती की, लाम बन के आई पतंग और दानिश यहाँ कटते हुए। जी जी जी, आइए दोस्तों एक बार फिर से हम मौसम भाई का पेच देखेंगे, ऊपर से लड़ाएंगे, देखेगा राइट हैंड साइड जो ऊपर जो पतंग है वो मौसम भाई की है, लेफ्ट हैंड साइड नीचे से रिक काइक क्लब। ध्यान से देखिएगा दोस्तों पेच फेरा जा रहा है, राइट हैंड साइड ऊपर से ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड नीचे से रिक काइक क्लब। चलिए सही हो चुका है, ध्यान से देखिएगा पिच करीब करा रहे हैं, और अंदर बढ़ते हुए मौसम भाई, और चेहरे की तरफ बढ़ते हुए देखिए ऊंचा किया है, गद्दा मारा है, रोका हुआ है, उन्होंने पैरेलल करके उठाया, चिपका दिया, देखिए मौसम भाई बलों में रख लिया है, अंदर की बल है उनकी, बाहर की बल है मौसम भाई की, पतंग नीचे दबी जा रही है, हवा नहीं लग रही है, ध्यान से देखना है मौसम भाई की पतंग में, और यहाँ कटते हुए, मैंने बोला था दोस्तों हवा नहीं लगी दोस्तों मौसम भाई की पतंग में, और मौसम भाई यहाँ पर ही कट गया दोस्तों। बढ़िया पेच खेल रहे रिक काइक क्लब से। वाह दीजिए, हेलो। आइए दोस्तों मौसम काइक क्लब से गब्बर भाई का पेच दिखाएंगे हम, नीचे से लड़ाएंगे हमारे गब्बर भाई, ऊपर से रिक काइक क्लब। चलिए
नीचे से देखिए जो पतंग है वो हमारे गब्बर भाई की है, ऊपर से देखिए रिक काइट क्लब करीब करा रहे हैं, देखिएगा। और करीब पर उन्होंने गद्दा मारा, उन्होंने चपटा बाहर खींचा है, बढ़िया पेच यहाँ पर ही काटा है यहाँ पर ही। हमारे गब्बर भाई सीनियर प्लेयर है दोस्तों, अच्छा खिलाड़ी है। और ये देखिए पतंग कट के जाती हुई ओपोनेंट की, ये टावर से शायद आपको उनका मुंडा नहीं दिखता होगा, बट बढ़िया पेच यहाँ गब्बर भाई। देखिए सीनियर का यहाँ मौका का फ़ायदा उठाते हुए, सीनियर सीनियर ही होता है हमेशा याद रखिएगा। बहुत अच्छा खेला यहाँ पर ही गब्बर भाई और अपना खाता खोला है मौसम का एक क्लब से। आए दोस्तों गब्बर भाई का दूसरा पेच देख रहे हैं, राइट हैंड साइड नीचे से ध्यान दीजिएगा गब्बर भाई, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से रिक काइट क्लब। पेच की दूरी 500 मीटर रेंज में लड़ता है, उन्होंने गद्दा मारा, इन्होंने अंदर का शो किया, रोका है, रोक के बाहर खींचा, डबल कराई पतंग थपकना होगा, बहुत अच्छा यहाँ पर ही रिक काइट क्लब से काटा है दोस्तों, डबल करके बस रख लिया था और यहाँ पर ही गलती कर दिया उस्ताद हमारे, यहाँ थपक लेते अगर सीधे मुंडे में तो काट लेते दोस्तों। और यहाँ पर ही देखिए कटते हुए हमारे सीनियर प्लेयर गब्बर भाई। आए दोस्तों दानिश आ चुके हैं, देखिए ऊपर से राइट हैंड साइड से दानिश, नीचे से ओपोनेंट, अंदर का गद्दा मारा है, घुमा के मारा है तेज गद्दा, बट यहाँ कन्ने कटा दोस्तों, कम हो गई थी पतंग, ध्यान से देखिएगा, वहीं से खींचने की गलती की और ओपोनेंट ने ज़्यादा पतंग को ऊँचा कर लिया था, यहाँ पतंग लड़ाना ही नहीं था दानिश को। आए दोस्तों मौसम भाई आ चुके हैं पेज को लड़ाने, ऊपर से लड़ाएंगे मौसम भाई, देखिएगा बहुत दूर में ये पेज लड़ा है दोस्तों, कम से कम 900 मीटर। राइट हैंड साइड से ऊपर से दानिश, ऊपर से मौसम भाई, लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट आया हुआ है, रोका है, करीब करा रहे हैं, देखिएगा वो और अंदर बढ़ते हुए, मौसम भाई हल्के हाथ से चेहरे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने रोका, देखिए कन्ने की तरफ फंसा लिया, पेज फंस गया दोस्तों, अंदर की बल है मौसम भाई की, उनके बाहर की बल है, बट मौसम भाई की पतंग फिर से नीचे दबे जा रही है, अंदर बाहर किए जा रहे, देखिए जानदारी कर रहे। अब नीचे से मौसम भाई आ चुके हैं राइट हैंड साइड, नीचे से देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट आ चुके हैं, ऊपर नीचे हो गया पेच, देखिएगा दोस्तों बहुत ज़्यादा पैरेलल करके डबल करा लिया है। अब नीचे से मौसम भाई है, ध्यान से देखिएगा पेच फंसा हुआ है, बट नीचे से राइट हैंड साइड से मौसम भाई है, वो और ऊँचा किए जा रहे हैं, ये देखिए ये रख दिया है, बहुत बढ़िया, बट भारी भरकम पतंग है और मौसम भाई की पतंग में हवा ही नहीं लगी दोस्तों, और ओपोनेंट ने बढ़िया पेच काटा है, हवा नहीं लगी दोस्तों, हवा लगती तो काट देते, वो कितना दूर में ये पेज लड़ रहा है, देखिए मैंने बोला था 900 में लड़ रहा था कम से कम। आए दोस्तों इस पेज को हम देख लेते हैं, ऊपर से देखिएगा राइट हैंड साइड ऊपर से जो पतंग है वो हमारे जमशेद भाई की है मौसम काइट क्लब से, लेफ्ट हैंड साइड नीचे से है रिक काइट क्लब। चलिए पेज की दूरी लगभग 800 मीटर, वहीं से गद्दा मारना स्टार्ट कर दिया, देखिएगा पूरा गद्दा मारा है उन्होंने, पलों में रखा हुआ है, खतरा हो जाएगा यहाँ पर ही, बहुत बढ़िया, मैंने बोला खतरा हो जाएगा जमशेद भाई का। और अच्छा पेच यहाँ पर ही काटते हुए रिक काइट क्लब से, हमारे रिक भाई बढ़िया खेल रहे हैं, और ये बहुत दूर में ये पेच लड़ रहा था, ये देखिए देख रहे हैं कितना दूर में ये पेच लड़ रहा था। आए दोस्तों लगातार तीन पतंग काट चुके हैं ओपोनेंट की टीम रिक भाई की, लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा नीचे से रिक भाई बने हुए हैं, राइट हैंड साइड ऊपर से आए हैं हमारे दानिश मौसम काइट क्लब से, राइट हैंड साइड ऊपर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ये दूर ये पेज लड़ रहा है, कम से कम 1000 मीटर में, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उन्होंने ऊंचा किया है, दानिश ने बाहर खींचा है, चपटा बाहर खींचा, उन्होंने अपने दम लगा के खींचा, इन्होंने भी दम लगाया इन्होंने, बट रोक लिया दोस्तों, बहुत ही शानदार ये दिमाग वाला पेज खेला है दानिश, यहाँ अगर टानते तो दानिश यहाँ 100% कट जाते दोस्तों, आपको भी रोक लेना है जब भी पैरेलल हो, देखिए कितना दूर में ये पेज लड़ रहा था, देख रहे हैं दानिश का पेज बैक टू बैक देख रहे हैं, नीचे से देखिएगा राइट हैंड साइड से दानिश, ऊपर से ओपोनेंट आया हुआ है, गद्दा मारा है, दानिश ने अंदर का रुख दिखा के पतंग को फंसा लिया है दोस्तों, देख सकते हैं बाहर की बल है दानिश की और ओपोनेंट की अंदर की बल है, और बहुत अच्छा यहाँ ओपोनेंट ने थपक के यहाँ पड़ी दानिश भाई का झोल काटा है दोस्तों, बहुत अच्छा पेच ये, दूर में सब पेज लड़ रहा है दोस्तों, और बढ़िया पेच यहाँ दूर में दानिश भाई को काटा है, देखिए हमारे दानिश भाई कटते हुए, बहुत ज़्यादा ढीला हो गई थी पतंग, यहाँ टाइट करना था दोस्तों दानिश को, दानिश यहाँ टाइट करते तो हाँ काट देते, देखिए दानिश भी बोले मैंने टाइट नहीं किया, ज़्यादा ढीला हो गई थी इसीलिए दानिश भाई कट गया ये पेच। मौसम का मन देखिए दोस्तों, मौसम भाई का पुराना पुराना पतंग सिकंदर का, देखिए पतंग देखिए दोस्तों कितना 1.5 साल 2 साल, बाप रे बाप, ये देखिए बहुत पुराना पतंग है भाई, पतंग देखिए, अरे वाह वाह, देखिए जमशेद भाई निकाल दिए, वाह ये देखिए 5-8 साल का होगा, 5-8 साल पुराना पतंग, 11 साल पुराना, ये देखिए कितना पुराना, इससे आपको पता चलता होगा 20 साल होगा, देखिए दोस्तों ये देखिए पतंग देखिए दोस्तों, वाह
क्या बात है, माइंड ब्लोइंग कलेक्शन है। ये देखिए बीके मीरठ का इतना पुराना पतंग, पुराना से पहचान देखिए यहाँ पड़ी। ये ठड्डा जो ये देखते हैं ना दोस्तों, ये काली हो जाती है। देखिए देखिए पोटिसदा की पतंग रखी हुई है पुरानी पूरी। देखिए कितना पुराना पतंग है, अरे बाप रे, क्या कलेक्शन है हमारा मौसम भाई का पास, क्या बात है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या बात है मौसम भाई, दिल जीत लिया। अरे वाह वाह वाह, देखिए दिया था हमको 2021 या 22 में जो काशीपुर टूर्नामेंट लड़ाया था। जी जी, नाजिम की पतंग है, क्या बात है। आए दोस्तों, इस पेज को हम देख लेते हैं। नीचे से देखिएगा, राइट हैंड साइड से गब्बर भाई, फिर बैठ के लड़ा रहे हैं। ऊपर से देखिए ओपोनेंट, फिर बैठ के लड़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पेज जो लड़ा रहे हैं ना, वो बैठ के लड़ा रहे हैं। बिल्कुल देखिएगा, करीब कराया है और ऊंचा कर लिया। देखिए ओपोनेंट ने चपटा बाहर खींचा है, बलों में है, उन्होंने पट मारा है, करीब करा के बाहर देखिए ऊंचा कर लिया है, थपकना होगा। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पेच यहाँ पर गब्बर भाई काटते हुए, क्या बात है। और ये देखिए हमारे उस्ताद गब्बर, गब्बर भाई हाई कर दीजिए एक बार, क्या पेच काटा, वाह। आए दोस्तों, दानिश भाई का पेच हम देखेंगे मौसम का एक क्लब से। राइट हैंड साइड देखिएगा, नीचे से हमारे दानिश भाई और लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट, ऊपर से पेच की दूरी 500 मीटर। दानिश भाई की पतंग थोड़ी कम है, ये ध्यान देना है दोस्तों। राइट हैंड साइड नीचे से दानिश भाई, ऊपर से ओपोनेंट रिक काइट क्लब। ओपोनेंट की पतंग काफ़ी दूर लगी हुई है, उनसे कम से कम 100 गज आगे है, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना होगा दानिश भाई को। चलिए करीब करा रहे, देखिएगा और अंदर बढ़ते हुए, दानिश भी उनके हाथ की तरफ बढ़ते हुए। पतंग की दूरी दोस्तों 600 मीटर, मगर दानिश की पतंग कम है, ये बात का ध्यान रखना। दानिश भी देखिए पतंग को बढ़ा रहे हैं, अब वो समझ गए हैं, इसीलिए देखिए पतंग को अब ढील देके आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा, चलिए और अंदर बढ़ते हुए, देखिएगा दानिश पट करके खाली करा के और अंदर बढ़ते हुए। राइट हैंड साइड देखिएगा, नीचे से दानिश, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से ओपोनेंट। चलिए बहुत ज़्यादा अंदर आ चुके हैं, ऊंचा किया है, वो भगा रहे देखिए पतंग को, रोका है और अंदर बढ़ते हुए दानिश। उन्होंने देखिए गद्दा चाप रहे, चपटा बार खींचा, खड़ा खींचा है दोस्तों। अच्छा पेच यहाँ पर दानिश ने काटा है, और क्या गलती हो गई दोस्तों, गलती यही होगी बहुत पार था, दानिश ये समझ गए थे और झोल कटा यहाँ पड़ी, बाहर तो खींचे पर दानिश भी देखे ऊंचा नीचा करके और फिर बाहर खींचे हैं और झोल कटा यहाँ पड़ी, गलती यही हो गई। क्या करना था, कम करके थोड़ा लड़ाना था और दो मुंडे में खेलना था। अब बढ़िया पेच यहाँ दानिश खेलते हुए, ये देखिए, ये देखिए हमारे नया प्लेयर है, देख सकते हैं। देखिए अहमीर अख्तर, बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है ना, बनेगा बनेगा जी जी, भागना है ये बन, अभी नया स्टार है, देख सकते हैं उभरता हुआ, आने वाले दिन में ये भी बन जाएंगे अच्छे। टांगे दिखा दो एक बार, ये देखिए खिंचाई देखिए, ये खिंचाई देखिए, देखिए अभी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ मौजूद है। 1 से 11 गाड़े थे भाई, 1 से 11, अरे वाह वाह क्या बात है, वो पेज हम लोग बंद हो गया, 1 से 26 को। बाप रे बाप, यहाँ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हो रहा है, कोई 1 से 12 तो कोई 1 से 26 काट रहे, और जमशेद भाई सोच रहे क्या हो सकता है, ये कुछ नहीं होगा भाई, चलो कभी नया खून का नया दौर। जी जी सही बात है, और ये रहा हमारे देखिए दानिश, क्या बात है, अभी शाम हुआ नहीं फिर भी अपना रंग दिखाते हुए, खतरनाक। आए दोस्तों, दानिश का दूसरा पेच, नीचे से दानिश राइट हैंड साइड से, अपोनेंट ने गद्दा मारा है, रोका है, दानिश चला रहे हैं, अंदर थपक रहे हैं, दानिश ने डोर छोड़ा है। दानिश राइट हैंड साइड नीचे से देखेगा, ऊपर से ओपोनेंट, चलिए दानिश ने बाहर खींचा, वो ओपोनेंट ने पतंग को पूरी आसमान में कर लिया है, रोका है, चला कितना चढ़ा, देखिए बाहर खींचा है, फिर चलाया, फिर बाहर खींचा, अब अपने बाहर, बहुत बढ़िया पेच, क्या बात है दानिश, बहुत अच्छा पेच यहाँ पर काटते हुए, और ताकत का पेच हुआ दोस्तों, अंदर बाहर और फिर सलग बाहर खींच के काटे, और दो पतंग काट चुके हमारे दानिश, खतरनाक प्लेयर है भाई कोलकाता का ये भी। आए दोस्तों, दानिश बने हुए नीचे से देखिएगा, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट बने हुए हैं, चेहरा नहीं छोड़े, देखे दानिश ने पतंग को हटा लिया, दोबारा मैं दिखाता हूँ पेच। आइए दोस्तों, एक बार फिर से पेच फिरते हुए, राइट हैंड साइड से नीचे से दानिश बने हुए,
लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट चेहरे की तरफ बढ़ते हुए रखा है गद्दा। दानिश ने उल्टा पट मारा है, उन्होंने बाहर खींचा, दानिश चिपक गए दोस्तों यहाँ पर ही, बहुत ज़्यादा लेट हो गए और ओपोनेंट ने बाहर ही खींच के दानिश को काटा है फाइनली। आइए दोस्तों हम मौसम भाई का पेस देख रहे हैं, मौसम का एक क्लब से नीचे से देखिएगा, राइट हैंड साइड नीचे से मौसम भाई, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से रिक का एक क्लब। चलिए पेच की दूरी 1000 मीटर रेंज में लड़ रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में जूम आउट करके भी, देखना है दोस्तों। राइट हैंड साइड नीचे से देखिए करीब करा रहे, राइट हैंड साइड नीचे से मौसम, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से रिक का एक क्लब, रिक भाई ये लड़ा रहे। चलिए और करीब करा रहे, मौसम ने ऊँचा किया है चेहरी की तरफ बढ़ते हुए, उन्होंने गद्दा मारा, मौसम ने लगा लिया। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया पेच, और ये बहुत दूर में लड़ रहा था दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको लग रहा होगा ना ये सामने में लड़ रहा था, देखिए कितना दूर में लड़ रहा था। मौसम भाई लव यू भाई, भाई गुरु है भाई आप फंसाने में, सल्यूट आपको, सल्यूट है। आई दोस्तों मौसम भाई का पेच देख रहे, राइट हैंड साइड से मौसम भाई, उन्होंने लंघाया है, चक्करों पे है, अंदर की बल है, देखिए मौसम भाई। अरे वाह वाह मौसम भाई, एक बल में काम हो जाएगा, देख रहे क्या बात है। मौसम भाई कितना हो चुका है अभी इस पतंग से, 4 या 5 4 5, बहुत अच्छा, 5 पतंग काट चुके हैं, 5 कदम काट दिए और 2 पतंग काटेंगे भाई, और इंशाल्लाह 70 भी, बिल्कुल बिल्कुल वो भी दिखाएंगे। जी 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 शाम में जिंदाबाद, नहीं नहीं सुबह में अच्छा खेले, 5 काट के मेरा पतंग। कितना धूप था देखिए तो, आने वाले दिन में कितना धूप, हम लोग 2 बजे चले, पूरा जी जी गोरा जी जी सॉरी गोरा दाढ़ी नहीं था, दाढ़ी हो गई, काला दाढ़ी हो गया, काला दाढ़ी सादा से काला हो गया, ये देखिए थोड़ा मजाक भी करते हैं। आइए दोस्तों मौसम भाई का फिर से पेस देख रहे हैं हम, राइट हैंड साइड नीचे से मौसम, 5 पतंग काट चुके हैं दोस्तों, 6ठा या 5वां पेच हम देख रहे हैं, नीचे से देखिएगा राइट हैंड साइड से हमारे मौसम भाई, लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट आया हुआ है, हर पेच रेंज में लड़ रहा है, रेंज वाला पेच सीख जाइए दोस्तों, कैसे लड़ाना है, चुस्की कैसे मारना है, देखिएगा ये काफ़ी रेंज में लड़ रहा है, कम से कम 800 मीटर मेरे इधर से। चलिए राइट हैंड साइड देखिएगा मौसम ऊँचा कर रहे हैं चेहरे की तरफ बढ़ते हुए, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से ओपोनेंट, पेच की दूरी 800 मीटर 800 900 मीटर, बहुत रेंज में लड़ रहा है। मौसम भाई देखिए हाथ की तरफ बढ़ते हुए, उन्होंने गद्दा मारा है वहीं से, मौसम भाई ने रोका हुआ है, देखिएगा करीब कड़ा रहे, डबल कड़ा लिया है, हवा जो है देखिए मौसम भाई की पतंग में नहीं लगी हुई, मुझे नहीं लगता पेज में आया हुआ है, हाँ बिल्कुल मुझे नहीं लगता पेज में आया हो, बिल्कुल पेज में नहीं आया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड साइड से देखिए फिर से मौसम भाई करीब कड़ा रहे, राइट हैंड साइड नीचे से, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से, पेज की दूरी 800 मीटर। चलिए ये देखिए चेहरे की तरफ बढ़ते हुए मौसम भाई, जितना अंदर जा रहे वो और चेहरे की तरफ बढ़ते हुए, देखिए मौसम भाई पट करके और अंदर बढ़ते हुए, ध्यान से देखिएगा बहुत ज़्यादा चढ़ के आ गए, वो भी हाथ की तरफ बढ़ते हुए, लग रहा है अब खिंचाई वाला पेज देखने को मिलेगा मुझे लगता है। वो देखिए चेहरे की तरफ आते हुए मौसम भाई ने ऊँचा किया है और चेहरे की तरफ, उन्होंने पट मारा, गद्दा मारा है, रोका है, देखिए मौसम भाई भी बाहर कर लिए पतंग, मौका नहीं देना चाह रहे हैं दोनों ही प्लेयर्स, एक दूसरे को मौका नहीं देना चाह रहे दोस्तों। और मौसम भाई 5 पतंग काट चुके हैं, 6ठा पेच दिखा रहे हम, इसीलिए यहाँ पर ही सोच समझ के खेल रहे हैं रिक का एक क्लब से। और मैं बोलना चाहता हूँ मौसम का एक क्लब अभी 7 या 8 पतंग से आगे चल रही है, स्कोर में भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा राइट हैंड साइड से ध्यान दीजिएगा, मौसम भाई बने हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से रिक का एक क्लब ये रहे, देखिएगा चलिए बहुत ज़्यादा करीब करा ले रहे हैं, 7-8 पतंग से आगे चल रही है मौसम का एक क्लब, चलिए ऊंचा किया देखिए हल्के हाथों से, पीछे से देखिए डिसाइड भी डिसीजन भी देते हुए क्लब्स के जितने भी क्लब फाइटर है थोड़े बता भी देते हैं आपकी कम है या बढ़ है, सभी बताते हैं दोस्तों, उनको भी बताया जा रहा है, देखिएगा पतंग मौसम भाई की तो ठीक ठाक ही लग रही है, पतंग बराबरी में है दोनों का, देखिएगा चलिए हवा नहीं लगी है मौसम भाई की पतंग के, देखिए एकदम हवा नहीं है, थोड़ा खतरा हो सकता है यहाँ पर ही, अगर फंसाएंगे तो हवा चाहिए, अगर फंसाने में पतंग में हवा होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है, देख रहे हैं कितना रेंज में लड़ रहा है। चलिए उन्होंने फाइनली गद्दा मारा है, मौसम भाई ने ऊँचा कर लिया है, पैरेलल खींचे मौसम भाई, लंघा लिया पेच को, भारी भड़कम पतंग है,
बनबना रही है, अंदर की बल है, मौसम भाई की भी अंदर की बल है। जिसकी पतंग टाइट ज़्यादा होगी वो काट देगा, हवा काफ़ी लगा हुआ है दोनों में। मौसम भाई चुस्की मार रहे हैं, देखिएगा चुस्की चल रही दोस्तों। अरे वाह वाह मौसम भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। इतना दूर में फंसा के हम बोले ना मौसम भाई, जो सब सीख लो ये फंसाने वाला पेच, मौसम भाई सिखाएंगे कैसा फंसता है पेच। क्या बात है, बहुत अच्छा यह पेच खेला है मौसम भाई ने। और छः हो गया है ना, छः या पाँच, छः पतंग काट चुके हैं, बाप रे बाप। अब थोड़ी देर बाद मैं सत्ता वाला पेच दिखाऊँगा। दोस्तों मौसम भाई की पतंग जो है वो टूट गई दोस्तों, इतना फंसा के खेले हैं जो लास्ट पे पतंग जो है टूट गई, छः पतंग काट चुके थे। अब जाएंगे हमारे जमशेद भाई, ये देखिए पेज दिखाऊंगा जमशेद भाई का, नीचे से लड़ाएंगे जमशेद भाई। और देखते हैं रिक काइट क्लब यहाँ कम बैक कर पाती है कि नहीं। फिलहाल 10 पतंग से अभी मौसम काइट क्लब आगे, मैं बोल देना चाहता हूँ। ये कुछ टीम है, देखिए दानिश है, मौसम भाई है, जमशेद भाई है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छे खेल रहे हैं। देखिए हमारे उभरता हुआ सितारा टूर्नामेंट के अच्छे खिलाड़ी है, ये भी आ गए हैं, भैया भी आ गए हैं, देखिए। और गब्बर भाई, ये देखिए हमारे गब्बर भाई, और जमशेद भाई अभी कट गए दोस्तों। देखिए जब तक मैं इनको दिखा रहा था तो जमशेद भाई वहाँ पेज लड़ा दिया और वो कट भी गए। देखिए आए दोस्तों, दानिश का पेज देखेंगे हम लोग मौसम का एक क्लब से। राइट हैंड साइड देखिएगा, ऊपर से दानिश, लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट आए हुए हैं, वहीं से गद्दा मारा है। देखिए दानिश रोका है, पल दे के गद्दा मारा है, वो रोक के देखे थपक रहे, अरे वाह 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 वाह, चपटा बाहर खींच के ले गए गद्दा मार के, और दानिश से यहाँ पड़ी सकना नामुमकिन जैसा है दोस्तों। जितना शाम होता है इनका धार उतना बढ़ते रहता है बिल्कुल। और देखे खतरनाक प्लेयर है हमारे दानिश कोलकाता के। आए दोस्तों ऊपर से काटने के बाद नीचे से दानिश भाई लड़ाएंगे, देखेगा राइट हैंड साइड, अब नीचे से दानिश, ऊपर से ओपोनेंट आया हुआ है। पेज को सीखना है दोस्तों, करीब करा रहे, दानिश ने ऊंचा कर लिया, देखिए अंदर की चढ़े की तरफ आ रहा है, दानिश ने चपटा बाहर खींचा वहीं से, बहुत अच्छा यहाँ पर ही पेज काटा है, झोल काटा है दोस्तों, भागने का मौका नहीं दिया, क्या गलती हो गई। जैसे उन्होंने अंदर का गद्दा मारा, देखिए इन्होंने बाहर ही खींच लिया, करना क्या था, थपक लेना था दोस्तों, तब दानिश यहाँ कट जाते अगर बाहर खींचते तो। बट दानिश भी कमजोर नहीं, वो भी थपक लेते बाहर में बिल्कुल। ये देखिए हमारे दानिश क्या खेल रहे हैं, क्या बात है। आई दोस्तों तीसरा पैच हम दानिश का दिखा रहे हैं बैक टू बैक। राइट हैंड साइड देखिए नीचे से दानिश बने हुए, लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट आया हुआ है। पेच की दूरी 400 मीटर, रेंज थोड़ी इस बार कम हो चुकी है, ध्यान से देखिएगा। अंदर आते हुए चेहरे की तरफ बढ़ते हुए दानिश और अंदर बढ़ते हुए, वो और चेहरे की तरफ बढ़ते हुए, उन्होंने गद्दा मारा, दानिश से खड़ा खींचा है, बढ़िया पेच यहाँ पड़ी, दानिश काटते हुए दोस्तों, और तीन पतंग बैक टू बैक काट दिया दोस्तों। क्या गलती हो गई, देखिए जैसे दानिश अंदर आए वो गद्दा जो मारे ना, झोल बना एक, और उसी झोल को खड़ा खींच के बस काट दिया, करना क्या था, बाहर देखा कि अगर अंदर गद्दा मारते तो कुछ हो सकता था। बट दानिश उसके लिए भी तैयार, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, ये बहुत ही डेंजर प्लेयर है, बहुत ही खतरनाक खेलते हुए हमारे मौसम का एक क्लब से। आइए दोस्तों चौथा पेज हम देखेंगे हमारे दानिश का, नीचे से ही लड़ाएंगे, बढ़िया खेल रहे हैं मौसम का एक क्लब से। फिलहाल अभी मौसम का एक क्लब 12 पतंग से आगे है, 12 या 10 पतंग से आगे, मैं पूछ लेता हूँ हम लोग कितना पतंग से आगे हैं अभी टोटल स्कोर में, हम लोग कितना पतंग से आगे चल रहे हैं, 11-12, ठीक है, थैंक यू, ठीक है 12 ना, ठीक है। चलिए दोस्तों पेज की तरफ हम ले जाते हैं दानिश का, चौथा पेज दिखाएंगे, बने रहे। आइए दोस्तों चौथा पेज देख रहे हैं दानिश का, देखिएगा नीचे से बने हुए दानिश, राइट हैंड साइड देखिएगा नीचे से, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से ओपोनेंट आया हुआ रिक काइट क्लब से। पेज की दूरी 500 मीटर, थोड़ा रेंज में लग रहा है, दानिश की पतंग थोड़ी कम लग रही है नीचे से, राइट हैंड साइड से देखिएगा चेहरे की तरफ बढ़ते हुए कन्ना मारने की कोशिश, दानिश और अंदर बढ़ते हुए और बाहर निकाला, पतंग दूर है ओपोनेंट की, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से देखिएगा नीचे से दानिश गद्दा मारा है, बहुत अच्छा पेच यहाँ पड़ी, जवाब नहीं दानिश, वही पेच खेला दोस्तों जैसे उन्होंने चपटा बाहर खींचा, देखिएगा गद्दा मारा, एक बड़ा झोल बना और उसी झोल को बाहर खींच के दानिश ने काटा है दोस्तों। ये पेच सीखने का पेच है दोस्तों, सब चीज़ सीख जाइए दोस्तों, बहुत काम आएगा।
बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं ओपोनेंट, बड़ा झोल को दानिश खींच दे रहे हैं और अच्छा पेच। यहाँ ताकत भी थोड़ा चाहिए क्योंकि कम से खींच रहे हैं दानिश। पांचवा पेच देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मौसम का एक क्लब से नीचे से दानिश राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट आया हुआ है। पांचवा पेच सेम पेच लड़ा रहे, देखिएगा इस बार ओपोनेंट की पतंग भी फिर भी बढ़ है। दानिश और अंदर बढ़ते हुए देखिएगा और चढ़ के आ गए दोस्तों, लेफ्ट में हवा दबी होगा, अंदर गद्दा मारा है और यहाँ दानिश कटेंगे दोस्तों। गलती क्या हो गई, बहुत ज़्यादा चढ़ के चढ़ गए, दानिश की यही गलती हो गई दोस्तों, और उन्होंने बस मौका का फ़ायदा उठाया और सीधा ही गद्दा मार दिया। दानिश सोच ही रहे थे चपटा बाहर खींचे तब तक झोल लग गया दोस्तों और दानिश इस बार कट गया दोस्तों। दानिश भाई बहुत ज़्यादा चढ़ के आप अंदर आ गए। जी 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 जी, कवर करने का मौका ही नहीं मिला। गब्बड़ भाई आ चुके हैं, देखिएगा गब्बड़ भाई का पेस दिखाएंगे हम, ऊपर से लड़ाएंगे गब्बड़ भाई मौसम का एक क्लब से। आइए दोस्तों पेज को भी हम देख लेते हैं, देखिएगा ऊपर से है, देखिएगा राइट हैंड साइड से हमारे गब्बड़ गब्बड़ भाई, लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट आया हुआ है रिक का एक क्लब से। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बर है नीचे वाली पतंग ओपोनेंट की, गब्बड़ भाई की पतंग घट लग रही है, देखिएगा करीब कड़ा रहे हैं वो और अंदर आते हुए। गब्बड़ भाई ने गद्दा मारा है, शो किया, उन्होंने उल्टा पट मारा, गब्बड़ भाई वहीं से देखे चाँप रहे, अचानक से उन्होंने रोका है, अंदर थपक रहे, वो भी अंदर थपक रहे, उन्होंने बाहर खींचा है, इन्होंने भी बाहर खींचा है, अब ताकत लगेगा, उन्होंने बाहर खींचा है, इस बार कटा है दोस्तों, इस बार कटेंगे दोस्तों। यहाँ ताकत कम पड़ गई और बढ़िया पेच यहाँ रिक का एक कप से काटते हुए और गब्बड़ भाई यहाँ कटते हुए, ताकत नहीं मिली दोस्तों, ताकत का पेच था, बहुत सारे मुंडे तो बदले थे बट यहाँ ताकत कम पड़ गई और जगह भी नहीं मिला इनको। अब लड़ाएंगे देखिए हमारे शाहरम भाई, अच्छे प्लेयर है, देखिएगा ऊपर से लड़ाएंगे, चलिए पेस दिखाता हूँ मैं ऊपर से। शाहरम देखिएगा राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट आया हुआ है, शाहरम ने गद्दा शो किया है, उन्होंने देखिए उल्टा पट मारा है, शाहरम ने पतंग को अपने आसमान में कर लिया और ऊँचा कर रहे हैं, देखिएगा शाहरम चलाए हैं बाहर खींचे हैं, उन्होंने चपटा बाहर खींचा है, शाहरम ने अपने बाहर बढ़िया पेच यहाँ पर ही काटा ओपोनेंट ने, सिर्फ आके रख दिया था दोस्तों, और शाहरम ने गद्दा मारने की यहाँ कोशिश की, बढ़िया पेच खेले हैं यहाँ पर ओपोनेंट। नीचे से देखिएगा दानिश राइट हैंड साइड से, ऊपर से ओपोनेंट आया हुआ है रिक का एक क्लब, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पेच की दूरी 600 मीटर रेंज में लड़ रहा है दानिश, और अंदर बढ़ते हुए ओपोनेंट पतंग को अपने आसमान में उठा लिया है, दानिश और अंदर बढ़ते हुए देखिएगा ओपोनेंट रखा है और करीब करा रहे हैं, रोका है, दानिश ने वहीं से पहाड़ खींच कर झटक लिया, बढ़िया पेच यहाँ दानिश, बहुत अच्छा पेच यहाँ दानिश ने काटा है दोस्तों, क्या पेच काटा है। दानिश का दूसरा पेच नीचे से दानिश बने हुए चपटा बाहर खींचा है, उन्होंने गद्दा मारा है, इस बार दानिश कटेंगे दोस्तों, क्या गलती हो गई, बढ़ थी देखिए दानिश की पतंग और उनकी पतंग घट थी, यही बेनिफिट हुआ, गद्दा इस बार अच्छा पड़ा है ओपोनेंट का। दोस्तों शकील भाई का पेस देखेंगे मौसम का एक क्लब से, मन्नू भाई देखिए लटाई पकड़े हुए क्या बात है, और चलिए पेस दिखाते हैं ऊपर से, देखिएगा शकील भाई आए हुए हैं ऊपर से राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट आया हुआ है, देखिएगा शकील भाई हमारे लड़ा रहे हैं ऊपर से मौसम का एक क्लब से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों पेच की दूरी 600 मीटर रेंज में लड़ रहा है फिर से पेच, शकील भाई ने देखिए वहीं से करीब करा रहे हैं, ओपोनेंट और अंदर आता हुआ ऊंचा किया, ओपोनेंट वहीं से खींचना स्टार्ट कर दिया, शकील भाई भी देखिए डिफेंस करके पतंग जल्दी से अपने आसमान में उठा लिया है, ध्यान से देखना है दोस्तों, शकील हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है और शानदार खेलते हैं, देखिएगा फंसा के लड़ाएंगे हमारे शकील भाई, राइट हैंड साइड देखिएगा करीब करा रहे हैं, जगह नहीं दे रहे एकदम, देखिएगा एकदम जगह नहीं दे रहे उसको, निकलने भी नहीं दे रहे, देखिए वो निकलने भी नहीं दे रहे, शकील भाई ने वहीं से रख दिया, बहुत अच्छा चपटा बाहर खींच के ले गए दोस्तों, इस बार शकील भाई यहाँ पर ही कुछ नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा लंघा दिया था, झोल बना और इसी झोल को बाहर खींच के शकील भाई को काटा है दोस्तों ओपोनेंट ने। मौसम भाई आए हैं पेच को रोकने दोस्तों, राइट हैंड साइड देखिएगा ऊपर से मौसम भाई बने हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से है ओपोनेंट, बहुत अच्छा खेल रहे इस बार और कैट क्लब से, चलिए सीधा गद्दा मारा है, उन्होंने कंटी पट मारा है, खतरा हो जाएगा, अरे वाह 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 क्या बात है मौसम भाई, यू आर द हीरो मौसम भाई, सीधा गद्दा मारा है, कंटी पट होके आई पतंग खुद ही रगड़ा गए, मौसम की बढ़ थी इसीलिए मौसम ने इस पेच को काटा है, और क्या बात है सुबह से काटे जा रहे हैं मौसम भाई हमारे, सुबह से काटे जा रहे हैं, शाम भी हो गई है फिर भी काटे जा रहे हैं, क्या राज है इसका,
इसका क्या राज है? आलोक तो आलोक भाई का मंजा। जी जी जी, आप प्लेयर भी बहुत अच्छा है, मंजा काम नहीं आएगा, प्लेयर आप बहुत अच्छे हैं। मौसिम भाई, आलोक भाई को क्या कहना चाहते हैं? आलोक भाई क्या मंजा दे दिया, काटे जा रहे सिर्फ। मौसिम भाई आप नीचे से देखिएगा, राइट हैंड साइड से ऊपर से ओपोनेंट आया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से, नीचे से ऊपर से काटने के बाद नीचे से लड़ाएंगे हमारे मौसिम भाई। देखिएगा बहुत ज़्यादा हाथ में चढ़ गए, उन्होंने वहीं से गद्दा मारा है दोस्तों। मौसिम भाई ने वहीं से चपटा मार खींचा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है मौसिम भाई, क्या बात है, झोली काट दिया एकदम। ओपोनेंट रखते रखते ही उनका काम तमाम हो गया है। और क्या पेच खेल रहे हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, गलती तो दूसरे लोग करते हैं भाई, आप थोड़ी ना, क्लब फाइटर है आप, बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया पेच, सुबह से शाम से सब जगह से आप अच्छा पेच खेल रहे हैं, या शाम भी हो चुका है तब भी आप अच्छा पेच खेल रहे हैं, क्या बात। दानिश तो दानिश ही है बिल्कुल। आए दोस्तों मौसिम भाई का तीसरा पेच दिखा रहे हैं नीचे से। मौसिम भाई देखिएगा जो पतंग बहुत दूर में है, राइट हैंड साइड नीचे से, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से, देखिए ओपोनेंट आया हुआ है, वहीं से गद्दा मारा है मौसिम भाई ने, चपटा बाहर खींचा, बहुत बढ़िया मौसिम भाई, उतना दूर से खींचे हैं और ताकत का पेच था दोस्तों। मौसिम भाई ने क्या पेच काटा है, इतना दूर से खींच के ले गए, क्या बात है, जबरदस्त खींच भी है यहाँ मौसिम की, जैसा वो फंसाते हैं वैसा वो खींचते भी है, ये देखिए क्या बात है। आई दोस्तों ऊपर से देखिएगा, राइट हैंड साइड से मौसिम का एक क्लब, नीचे से ओपोनेंट आया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से करीब करा रहे हैं, उन्हें बाहर खींचा है, इन्होंने सीधा गद्दा मारा है, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ रुख दिखा के काटा दोस्तों अंदर का। करना क्या था दोस्तों, यहाँ पर ही थपक लेना था दोस्तों, जैसे उन्होंने देखे रुख दिखाया आपको भी सिर्फ थपक लेना था। यहाँ बहुत बड़ी गलती करती है सीधा गद्दा मार के, और अच्छा पेच यहाँ रिक कई क्लब से काटते हुए। गब्बड़ भाई आए हैं पतंग को देखिए काटने, ऊपर से हमारे गब्बड़ भाई, राइट हैंड साइड देखिएगा ऊपर से, नीचे से ओपोनेंट बना हुआ है रिक का एक क्लब से, देखते गब्बड़ भाई काट पाते कि नहीं। बैक टू बैक दो पतंग काटे हैं ओपोनेंट की टीम, चलिए चपटा बाहर खींचा, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ही डबल करना था दोस्तों, चपटा बाहर खींच के काट दिए हैं, और तीन पतंग ओपोनेंट भी अब अच्छा खेलते हुए। बट शाम हो चुकी है, बहुत लेट हो चुके हैं, पहले काटते तो कुछ हो सकता था, बट अभी भी बहुत पतंग से हम लोग आगे हैं। मौसिम भाई से पूछते हैं, मौसिम भाई यहाँ स्कोरिंग कर रहे हैं, मौसिम भाई कितना पतंग से आगे? सात पर्ची से हम लोग आगे, एक बार दिखा दीजिए स्कोर, ये देखिए ये है टोटल स्कोर, सात पर्ची से आगे। चश्मा पहन के ना भाई, जी जी हाँ हाँ, मौसिम भाई छटा काटे, सही बात है सही बात है, यही चश्मा इतना धूप, दो सत्ता में जाके रुके, हाँ दो सत्ता में रुके, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये देखिए हमारे सीनियर प्लेयर शाबाशी देते हुए, क्या बात है। शाम हो चुकी है दोस्तों, तब भी मैं पेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे से दानिश लड़ाएंगे देखिएगा, ऊपर से ओपोनेंट आया हुआ है देखिएगा, राइट हैंड साइड नीचे से दानिश, ऊपर से ओपोनेंट, लेफ्ट हैंड साइड से, इससे पहले दानिश ने गद्दा मार के काटा है, जो बहुत तीन पतंग काट दिए थे ओपोनेंट, उसको दानिश ने गद्दा मार के काट दिया था, मैं दिखा नहीं पाया। अब नीचे से लड़ाएंगे दानिश, राइट हैंड साइड से, ध्यान दीजिएगा, शाम हो चुकी है, ज़्यादा पतंग अब तो लड़ने नहीं वाली है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, करीब करा रहे हैं, दानिश ने रोका हुआ है, वो बाहर खींच रहे हैं, दानिश ने भी बहुत अच्छा पेच यहाँ दानिश ने काटा है दोस्तों शाम के वक्त, और बहुत रेंज में ये पेच लड़ रहा था, देखिए उस्ताद कुछ बोलते हुए, क्या बात है, कन्ने काट दिए उसको, कन्ने काट दिए, बिल्कुल बिल्कुल दानिश ने कन्ने काट दिए, और शकील भाई कितने खुश होते हुए, देखिए क्या बात है। आए दोस्तों दानिश नीचे से बने हुए, चौथा पेच हम दिखा रहे हैं, राइट हैंड साइड देखिएगा नीचे से दानिश, लेफ्ट हैंड साइड से ओपोनेंट आया हुआ है, ऊपर से देखिएगा करीब करा रहे, शाम का पेस दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, और काफ़ी रेंज में लड़ रहा है, करीबन 700 मीटर, चलिए उन्होंने गद्दा मारा है, उन्होंने दानिश ने यहाँ पर ही लेट हो गए, मैं बोला गद्दा मारा है उन्होंने, और दानिश यहाँ पर ही बहुत ही लेट हो गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा, यहाँ अगर थपक लेते तो कुछ हो सकता था, बट कोई बात नहीं, ओपोनेंट भी बहुत अच्छा लड़ा रहे दोस्तों। दानिश भाई फिर लेट हो गए आप, मगर ये पेच आप कट जा रहे बार बार, देखा जितना कटे सब आप लेट कटे, मतलब लेट हुआ, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप तो हीरो है शाम के। दोस्तों फाइनली मौसिम का एक क्लब विजेता रही, बहुत अच्छा खेला मौसिम भाई ने, और गेम भी अच्छा लड़ा, बहुत बहुत अच्छा लड़ा, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या बात है, क्या ये नज़ारा, क्या नज़ारा, देखिए
क्रिसमस ट्री, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, चर्च के बगल में क्रिसमस ट्री। साहब भाई भी आए दिख रहा है, कल भी भाई बहुत अच्छा काटे थे। साहब भाई कैसे आप? चलिए ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, हम लोग जीत गए हैं इस मैच को। और शकील भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सीनियर प्लेयर भाई, बहुत पुराना प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वासिफ भाई लोग देखते हैं, कोई भी देखते होगा सीनियर, तुम जानते होगे क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। शकील भाई बहुत अच्छा लगा, आप शौक कर रहे हैं और ऐसे शौक जिंदा रखिए, हम लोग सब आपके साथ है। और जमशेद भाई लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा गुड्डी लड़ा भाई, जी जी जी, और जिससे लड़ाया वो लोग बहुत शांति से लड़ाया, इसके अच्छे और कोई बात और कोई बात ही नहीं, सही बात है। और ये हमारे गब्बर भाई, सबसे पहला चीज जी जी जी, सबसे पहला चीज जो आज हम लोग को गिफ्ट मिला है, हाँ जी जी जी, कुदरती जी, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। हाँ, ट्री ट्री बना हुआ, देखिए कुदरती गिफ्ट मिला है, देखिए चर्च के दो चर्च के सामने एक ट्री बना हुआ है, देखिए क्या बात है। और ये देखिए, हम इनसे तो मिलना भूल ही गए थे, ये तो बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा खेला भाई आप, एक से एक पेस दिखाया है, ताकत वाला। तो मेरा मौसिम, नहीं नहीं मौसिम भाई तो दिखाए, मौसिम भाई का बारे में तो कुछ, मौसिम तो सीनियर है ही, मगर आप जो दिखाए ना भाई, एक से एक पेस दिखाए, सही बात है। देखिए मौसिम भाई तो मौसिम भाई है, मौसिम भाई भी एक से एक पेज दिखाए, आप तो फंसे भी और फिर ताकत का भी पेज लास्ट में दिखाए, क्या बात है मौसिम भाई, मेन में लगा दिया जी 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 जी, यहाँ पर सूटर टूटता नहीं, हाँ हाँ व्यू देख सकते हैं, हाँ दिखा दिया दिखा दिया जी जी जी, मतलब सूटर टूटेगा। और कितना रेंज में लड़ रहा था ना शुरू शुरू में, मेहंदी बागान के अंदर चले जी जी जी, आगे में वसीम भाई लोग का भी गेम जी 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 कोलकाता इंटरनेशनल, हाँ हाँ हाँ, तो उन लोग का भी देखना होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग सबको बेस्ट ऑफ लक और कंग्रेचुलेशन, थैंक यू थैंक यू, आप लोग का भी इतना प्यार करते हैं आप लोग, आप आने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ बस, थैंक यू भाई, सही बात है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए क्या करना है, लाइक शेयर एंड बहुत थैंक यू आपको आने के लिए, तब तक के लिए क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब किया मेरा भाई को, ज्यादा लाइक कीजिए, चलिए थैंक यू, चलिए।